लोकसभा चुनाव में हमीरपुर संसदीय सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार फाइनल नहीं होने पर सांसद अनुराग ठाकुर ने चुटकी ली है। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस असमंजस में है कि लोकसभा चुनाव में किसे बलि का बकरा बनाए, क्योंकि कोई भी बलि का बकरा बनने के लिए कांग्रेस नेता तैयार नहीं है। और इस तरह अनुराग ठाकुर चुटकी लेते हुए नजर आए हैं। हमीरपुर में कांग्रेस का उम्मीदवार तय ना होने के बाद अनुराग ठाकुर ने इस तरह बयान दिया है। उम्मीदवार फाइनल ना होने पर इस तरह अनुराग ठाकुर चुटकी लेते हुए नजर आए। कहा कि लोकसभा चुनाव में किसी बलि का बकरा बनाएं, ये सोच रही है पार्टी, लेकिन कोई भी बकरा बनने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए नजर आए अनुराग ठाकुर। हमीरपुर में कांग्रेस के उम्मीदवार तय नहीं हुआ है और ऐसे में अनुराग ठाकुर ने ये व्यंग किया है, बकरा नहीं बनने को कोई भी नेता तैयार है। और इस तरह उन्होंने कांग्रेस असमंजस में है, सोच रहे हैं किसे बनाए बलि का बकरा, ऐसा बयान देकर वो चुटकी लेते नजर आए हैं। कांग्रेस पहले ये तय कर ले किसको देनी है, 25 साल वाले को देनी है, 40 साल वाले को देनी है, 60 साल वाले को देनी है, 70 साल वाले को देनी है। कांग्रेस असमंजस में है कि बलि का बकरा किसको बनाया जाए, जिसको बनाना चाहे बना सकती है। जो HPCA से जुड़े हुए थे वो सुप्रीम कोर्ट तक जाकर खारिज हुए हैं। इससे साफ तौर पर पता चलता था कि पिछली कांग्रेस की सरकार ने केवल बदले की भावना से और खेलों को कुचलने के लिए ये काम किया और प्रदेश का करोड़ों रुपये बर्बाद किया है, तो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए और हिमाचल प्रदेश के युवाओं से उनके अधिकार छीनने का काम कांग्रेस ने किया खेलों को कुचलकर।